रहीम वेलकम टू सेल्फ़ स्टडी विद फरहान तो आज के इस वीडियो में हम एक फर्स्ट ईयर का चाहे वो आई सी एस हो या फिर एफ ए आई टी हो कंप्यूटर साइंस का पेपर जो होता है उसे डिस्कस करेंगे बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मजीद ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता है आपके एम सी क्यूज होते हैं एंड देन आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है तो ऑब्जेक्टिव पार्ट जो होता है उसका सेपरेट पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव जो होता है इसका सेपरेट होता है तो हम सब्जेक्टिव को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बट ऑब्जेक्टिव को भी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो सो सबसे पहले जो पार्ट है इसमें नाइन क्वेश्चन दिए गए हैं और सिक्स पार्ट आपने सॉल्व करने हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द पर्पज ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेकेंड क्वेश्चन है थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर थर्ड क्वेश्चन है कि राइट द नेम्स ऑफ एनी फोर इनपुट डिवाइसेस। अब अगर देखें तो इनपुट डिवाइसिस में कौन कौन सी हो सकती हैं जिससे आप इनपुट दे सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक माउस है दैन कीबोर्ड है दैन आपका जो स्कैनर होता है ये भी इनपुट डिवाइस होती है और इसी तरह आप इनपुट मैनी डिफरेंट डिवाइस से दे सकते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हाउ डज ओ सी आर रीड करैक्टर्स फिफ्थ जो होता है टेली कम्यूनिकेशन की डेफिनेशन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स जो है वो राइट द नेम्स ऑफ थ्री एलियन प्रोटोकॉल्स दैन सेवेंथ क्वेश्चन इज वट आर डी जी ओर स्टैंडर्स एट क्वेश्चन एनी थ्री यूजेज ऑफ इंटरनेट एंड लास्ट वन द्वेश्चन ऑफ सेकेंड पार्ट इज वट इज आई एस पी सो थर्ड क्वेश्चन जो होता है पार्ट उस में भी अगेन सेम पैटर्न पर नाइन में से सिक्स क्वेश्चन करने होते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफाइन साइक्रोनस ट्रांसमिशन सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है वर्ट इज़ असाइनस ट्रांसमिशन थर्ड बैंड विद की डेफिनेशन फोर्थ ब्रीफली डिस्क्राइब द टू बेनिफिट्स ऑफ द कंप्यूटर्स इन एयरलाइन सिस्टम फिफ्थ डिस्क्राइब द ऑनलाइन शॉपिंग एंड बैंकिंग तो अभी तो ऑनलाइन बैंकिंग एंड शॉपिंग जो है वो बहुत ही आम हो गया है अब आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए ऐसे जनरल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जैसा कि ऊपर सेकेंड पोर्शन में क्वेश्चन दिया गया था कि राइट द टू यूजेज ऑफ द इंटरनेट यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन है राइट टू नेम्स ऑफ द टू सिंपल टेक्स्ट एडिटर्स एंड लास्ट वन क्वेश्चन जो सॉरी सेवन क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ द यूज ऑफ क्लिप बोर्ड इन एम एस वर्ड एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव सेल एंड पैसिव सेल एंड लास्ट इज द वट इज द नेम रेंज फोर्थ पार्ट में इस अगेन सिक्स क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ नाइन क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू कंपोनेंट्स ऑफ द सी पी यू सेकेंड डिफ्रेंशियट बिटवीन एस रैम एंड डी रैम अब एस रैम और डी रैम में जो डिफ्रेंशियशन है ये कई दफ़ा पेपर्स में आया है थर्ड क्वेश्चन इज़ वट इज़ कैश मेमरी वर्क फोर्थ यूज ऑफ सीरियल पोर्ट हाउ अ कंपाइलर सिक्स डिफाइन सिक्योरिटी सेवंथ वट इज़ कम्प्यूटर वायरस एट्थ राइट अ नोट ऑन जी यू आई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ़ रिसाइकल बिन अब रिसाइकल बिन आपको पता है आपके मोबाइल्स में भी आजकल ये सिस्टम है कि आप जो चीज़ें डिलीट कर देते हैं वो सारा मटेरियल आपका रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है वहाँ से आप रिस्टोर भी कर सकते हैं और परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं इसी तरह एक वायरस की टर्म यूज़ हुई है कि जो आपका वायरस होता है वो क्या होता है अब आपको पता है कि अब आप, आप आज कल वायरस तो वैसे भी बहुत आम है जैसे करोना वायरस है तो वायरस होता क्या है बेसिकली ये सेट ऑफ कोर्स होता है इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज जो है उसमें सेट ऑफ कोर्स जो कि एक डिज़ाइनर डिज़ाइन कर देता है प्रोग्राम को और बाद में ये डिफरेंट डिवाइस को हार्मफुल अफेक्ट पहुंचाता है तो इसी तरह इसके डिफरेंट आप डिसएडवांटेजेस भी देख सकते हैं